बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सेट के ऊपर बहुत सारी टोपोलॉजीज बनाई जा सकती हैं। अगर उन टोपोलॉजीज के ऊपर ये वाली कंडीशन बन रही हो, एक टोपोलॉजी दूसरे का सबसेट हो, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट आर वन एंड आर टू बी टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स सच दैट टा वन इज सबसेट ऑफ टा टू, देन टा वन एंड टा टू आर कॉल्ड comparable topologies on X। अब इसमें जो सबसेट है वो वाली टोपोलॉजी कर्सर, वीकर या स्मॉलर कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, और इसके बाद जो टा टू टोपोलॉजी है जो सुपर सेट है इसमें, उसको हम फाइनर, स्ट्रोंगर या लार्जर का नाम दे सकते हैं। जैसा कि हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, उसमें सिर्फ हमारे पास होता है फाई और एक्स, जबकि कोई और बिट उसमें फाई और एक्स तो लाजमी आएगा, और भी कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं, तो हम फिर हम ये कह सकते हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी टोपोलॉजी के साथ। इसी तरह से जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो हमारे पास पावर सेट की टोपोलॉजी होती है, लिहाजा हमारे पास जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है फिर वो सबसे स्ट्रोंगर होगी, सबसे स्ट्रोंगर टोपोलॉजी कहलाएगी। तो इस लिहाज से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इनडिस्क्रीट किसी भी और टोपोलॉजी का सबसेट होगी, और वो जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का सबसेट बनेगी। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जी, बना लेते हैं ए बी सी, और इसके ऊपर टोपोलॉजी हमने टावन बना ली फाई ए ए बी सी एंड एक्स, ये इतनी काफी है। और टाटू टोपोलॉजी फाई ए बी एंड ए बी एक्स, तो हम देख रहे हैं इसमें कि जो टा वन है वो सबसेट है टा टू का, तो इस लिहाज से इसमें इनको कंपेयर किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास इनकंपेरेबल टोपोलॉजीज भी होती हैं, इनकंपेरेबल टोपोलॉजी जिसमें एक टोपोलॉजी दूसरे का सबसेट ना बने, वो टोपोलॉजीज हमारे पास इनकंपेरेबल टोपोलॉजीज कहलाती है। जैसा कि हम इसी के ऊपर एक और टोपोलॉजी बना लें, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ये टोपोलॉजी बना लें, तो ये भी एक टोपोलॉजी है लेकिन ये ना टा वन टा टू का सबसेट है और ना ही टा टू जो है वो टा वन का सबसेट है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, इनकंपेरेबल टोपोलॉजीज का नाम देंगे।